भजन संहिता अध्याय 39 भजन संहिता अध्याय 39। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गुंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। देख, तूने मेरे आयु बालिश्त भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वह व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। मैं गुंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूं। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण दपट दपट कर ताड़ना देता है तब तू उसकी सुंदरता को फतिंगे की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमानी करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई पर कान लगा, मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूं और अपने सब पुरखों के समान परदेशी हूं। आह, इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं और न रह जाऊं, मुझे बचा ले जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं।